नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा और शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि राहुल गांधी डिसक्वालीफाइड हो गए हैं पार्लियामेंट से, मतलब उनको निकाल दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर 2 साल का सजा का केस सुना दिया गया है। वो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैं आगे आपको वीडियो का लिंक दूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है अगर हमारे अपोजिट पार्टी ही नहीं रहेगी। मैं राहुल गांधी के सपोर्ट में भी नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में भी नहीं, ठीक है? पहले चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ। तो अगर हमारे देश में अपोजिट पार्टी ही नहीं रहेगी, मान लो कि लोरबीम सिर्फ एक मोबाइल दुकान है, तो कितने भी रेट में देगा आपको काम करवाना पड़ेगा, तानाशाह हो जाएगा। तानाशाह शासन कभी भी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हुआ है। सो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और इसका फर्क हम पे डायरेक्ट पड़ता है। लेकिन हम सोचते हैं कि अपने को क्या भाई, आप वो डिसक्वालीफाइड हो जैसा भी हो उसकी प्रॉब्लम, लेकिन ये अपनी भी प्रॉब्लम। तो इस बात को आप ध्यान से देखिए। और आजकल के मीडिया में अच्छी खबर तो कभी दिखाई जाती नहीं, फालतू की चीज़ों पे बहस करते रहते हैं और लोगों को बहलाते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बच्चा गिर गया, ऐसा हो गया, और ये आज के डेट में ये वायरल हो रहा है, वो वायरल हो रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर है उसको अच्छे से दिखाया नहीं जाता। सो ये मीडिया की बहुत बड़ी कमजोरी है आज के डेट में। सो ये बहुत बड़ी खबर है तो आप लोगों तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी बने रहिए एजे टिक के साथ, आपके लिए लगातार ऑफर आ रहे हैं और आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। धन्यवाद।